2024 ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडळीर मंग धरिबे रमेश भाई। पुरी सदर पानी जल संकट एवं चासी हंतसंत जोगु बढ़ला जनाक्रोश। आवास योजना गरीबों नात, सरकारी योजना दुर्नीतिर गंध। भाईलीपुर जनता कले प्रतिवाद सभा, समस्या समाधान नहले आगक हेबो विराट गण आंदोलन। चेतावनी शुणाइले समाजसेवी रमेश प्रभा। पुरी सहर उपकंठरे अवस्थित ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडळी रहिछि 11 ग्राम पंचायत। हेले दीपतर अंधार भळी एठी पानी जल जोगाण परी अति मौलिक समस्या समाधान दिगरे कर्तृपक्ष होइछन्ती विफल। मुंदाए पीवा पानी पई विभिन्न पंचायत जनसाधारण माने भोगुछन्ती नाही नथिबा दुर्दशा। केवल से नुहे चाष जमी को मारूनी पानी, खराटिया चाष करी चाषी मुंडे हाथ दे बसुची पानी अपेक्षा। सेपटे चाष जमी फाटी ठाई ठाई आंकला। एमती अभावन परिस्थिति में गरीब चाषी पड़ता बेले आवास योजना अनेक गरीबों ना न साधारण लोक मध्य तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर रमेश। थिलावाला किसी असाधु कर्मचारी और कुजी नेता मान धराधरी कर हाथ गुंजा दे गरीबों नाम आसीता सरकारी योजना को हड़प कर नहीं जा लोक माने अभियोग करते। आज ए संपर्क में भाईलीपुर स्थित माँ बाईदे पीठ से आयोजित सभा में साधारण जनता एभली अभियोग करते। भाईलीपुर ग्राम पंचायत विभिन्न ग्राम चाषी श्रमिक युवक समाजसेवी अवसरप्राप्त सरकारी कर्मचारी चाषी नेता और बुद्धिजीवी वर्ग लोक समागम यही सभा होता। समाजसेवी रमेश चंद्र प्रधान यह सांगठनिक सभा उद्बोधन देते। से कहते जे दुर्नीति और भ्रष्टाचार आम समाज को तैतंत करदे सहित भल लोक बाट उगाड़ी। तेणु साधारण जनता स्वर उठाइबा लोक संख्या धीरे धीरे कमी जाउछि। फरे जनता समस्या बढ़िबार लगी द्रुत और भ्रष्टाचारी मानक संपत्ति बढ़िबार लगी। एथिपाई जनता बेलहु सावधान हेबाकु से मत रखिथिले। तुरंत भाईलीपुर पंचायत रे पाइप जोगे पानी जल जोगाण, खराटिया चाष जमी को पानी छाड़ लोक माने दावी करते। आवास योजना अनेक गरीबों ना नथिबारु सभा रे निंदा प्रस्ताव नियाछि। गाँ गंडरे चलुथिबा सरकारी योजना व्यापक दुर्नीति नै अभियोग होइछि। एहि सब समस्या तुरंत समाधान नहले आगामी दिन में साधारण जनता रास्ता उपरको आसी तीव्र प्रतिवाद करिबे बोलि सामूहिक शपथ करछन्ति। एहि सभा रे शताधिक लोक जोग दैथिले। मो नाम रमेश प्रधान, मो घर गोरुवाल, ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली। साधारण निर्वाचन पूर्व ब्रह्मगिरी गोटे गोटे बैठक आज भाईलीपुर ठारे संगठन बैठक कौन मुदा रखी आप लोक भेट मुझे मोर वक्तव्य कहली आपण मानम आगु भी कही लोक बहुत अवहेलित अच्छा सरकार योजना वंचित होती। देखते ये गोटे भाईलीपुर गोटे पंचायत आपड़ आश्चर्य लगे कि ये दु तीन टा गाँव में पा ना पीवा पा ना सात किलोमीटर लोक जापी आप देखते आप नई ना के दलवर्ती पा प्रवेश ना पा निष्कासन हो पार्टी आपणकर विगत दिन में आवास योजना जो लोक मैंने दुर्दशा भोगी जो मैंने प्रकृत हिताधिकारी आप आज्ञा ये पंचायत सब अधिक अच्छी कम्प्लेन तेणुक लोक बहुत असुविधा अच्छा लोक मान मोर मुझे जानी भल पाइबा कि भरोसा सब कही पंचायत एगार पंचायत सागर मुझे बहुत दीर्घ दिन अच्छी मुझे आगामी दिन में रही लोक सेवा कर पूर्व कहली मो किए नेता हम ना हम ब्रह्मगिरी मुझे जानी मोर बिना दल रे मो बिना सिंबल रे मो लोक मानकर बसुची आप देखते आप सब बुलूं कि व्यक्तिगत स्तर में लोक मान एकत्रित करवा यार अर्थ कौ अर्थ कौन आपने अनुधान करूँ जापर एक्चुअली लोक मान भरोसा केमती आम पर अच्छी दल कौन हम एम एल ए किए हम सीट ऊपर वाला छाड़दे भाषा मान मान रखुले ब्रह्मगिरी समस्या ब्रह्मगिरी समस्या कौन 22 वर्ष समस्या समाधान हो पार ना ब्रह्मगिरी शुणु समस्या केवल सब सर ना किंतु समस्या रे सम्मुखीन करने समस्या को समाधान करने जो आंतरिकतार अभाव रही जो मनोवृत्ति अभाव रही मत लगुच से लोक आज एकाठी होती असुविधा अच्छा बोली कि सुविधा आठ एकाठी होना आज समाज सेवा क्षेत्र में आप भल ना कर पूरी भुकिले लोक अक्षय पात्र फाउंडेसन आतीदिन मागणा खाद्य दौरान कितु राजनैतिक प्रति आप पर समस्त अच्छा आज आप मनोभाव लोकसेवा कहीं आसाला नहीं ये अक्षय पात्र फाउंडेसन को 2006 मसीह आनी मोर सान भाई स्वर्गत महेश पंद्रा प्रधान को से दायित्व देती तु ये संस्था बुझ मु तो सांगे रही जो संस्था एस्टाब्लीश हो गला मोर बाहरी गली संस्था किंतु जिनस संस्था हूँ सरकारी हाईस्कल उत्तम खाद्य दबा स्वास्थ्य परीक्षा करवा से मोटो थिला किंतु से हेला गोटे संस्था जहाँकि लोक काम करो रही समाज सेवा हिसाब से आपड़ कौन मो व्यक्तिगत स्तर में बहुत दिन लोक मांगे अच्छी जेहेतु मो परिवार राजनीति परिवार बहुत दिन सेमती किसी समय आसी लोक भलपाए टाणी आनी मुझे किपर आगामी दिन में कौन हम कि लोकंर आशा भरोसा लोक मान जो इच्छाटा जो पूरण हम ताप मुझे सब चेष्टित अच्छी सारा ओडिशा
ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଯେଉଁ ପୂରଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶା ଅଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦଳ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନରୁ ବି ଜିତିପାରିବେ, କେତେ ଦୂର ଭରସା ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବି ନ କରିବି ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକ ଯଦି ଭୋକିଲା ରହିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଯୋଜନା ନ ମିଳିପାରିଲା, ସେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜନୀତି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଏହି ଲୋକମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ? ଲୋକମାନେ କେତେ ଉପେକ୍ଷିତ, କେତେ ଅବହେଳିତ, ସିମ୍ପଲ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ପାଇବା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟୟର କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଏ ରାଜନୀତି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟପଟେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।